एक आदमी गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा, जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा और वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े हुए दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया, फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच में उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वह गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवद गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना तो बिजली है ना कोई फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामित है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है, आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, परमात्मा का शुक्र है उसने मेरी हर दुआ सुनी है, बस एक दुआ और उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ, डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है, ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते, कहते हैं कि बस एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ, लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी होंगे या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला हूँ। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ईश्वर एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।